वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर की सब्जी। बस आपको ये देखना है वीडियो एंड तक और आप भी बना सकते हैं टेस्टी एंड सिंपल वे में पनीर की सब्जी घर पर ही। इसके लिए हम लेंगे थोड़े से करी लीव्स, 3 to 4 ग्रीन चिली यानी हरी मिर्च, 4 ऑनियन, 2 टमाटोज, आप अपने अकॉर्डिंग वेजिटेबल्स कम और ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही हम ले लेंगे लौकी। अगर आप जैन खाना पसंद करते हो तो आप इसमें ऑनियन ऐड मत कीजिए। इनको मैंने थोड़े बड़े साइज में ही चॉप कर दिया है क्योंकि अब मैं इसका पेस्ट बनाने वाली हूँ। तो अब मैं लूँगी जार और उसमें डाल देंगे हमारी लौकी, थोड़े से करी लीव्स, ऑनियन जो मैंने चॉप कर दिया था, टमाटोज़ भी ऐड कर देंगे और हम लोग ग्रीन चिली को ऐसे 2 पीस में कट करके डाल देंगे। अब इन सारे वेजिटेबल्स को हम अच्छे से ग्राइंड कर देंगे। ये सारे अच्छे से ग्राइंड हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे कैप्सिकम। मैंने यहाँ पे 1/2 कैप्सिकम यूज़ किया है, आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर लीजिए, आपको जितनी ग्रेवी बनानी है उतनी। और इसमें थोड़ा सा अदरक डाल देंगे यानी जिंजर, और फिर से हमने इसे अच्छे से ग्राइंड कर दिया है। सारे वेजिटेबल अच्छे से ग्राइंड हो चुके हैं। अब हम लेंगे एक कढ़ाई, उसमें मैंने डाला है 4 टेबलस्पून ऑयल, 1/2 स्पून जीरा, पिंच ऑफ हींग, 1/2 स्पून से कम हींग डाल देंगे, 1 ड्राई लाल मिर्च यानी सूखी लाल मिर्च, 2 तेज पत्ता। इन्हें अब हम 2 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट कर देंगे ऑयल में। ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं तो अब हमारा पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। इसे एक बार हम स्टर कर देंगे ताकि ये अच्छे से हमारे ऑयल में मिक्स हो जाए। अब इसे हम लो फ्लेम पर 5 मिनट्स के लिए ऐसे ही कुक करेंगे। आप इसे कवर करके रख सकते हो लो फ्लेम पर। 5 मिनट्स के बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हो, ये थिक हो गई है। हमें ग्रेवी को ना ज़्यादा थिक बनाना है और ना ही ज़्यादा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बनाना है, ये परफेक्ट है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच दही यानी कर्ड। दही ऐड करने से पहले उसे एक बाउल में अच्छे से मिक्स कर दीजिए, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का ऐसा बना दीजिए और फिर उसे ऐड कीजिए। अब इसे हम कर देंगे अच्छे से मिक्स ताकि हमारा दही हमारी ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून मलाई। मलाई ऐड करने से हमारी सब्जी में एक अच्छा थिकनेस आ जाएगा और हमारी सब्जी भी काफ़ी क्रीमी टेक्सचर की बनकर तैयार होगी। आप मलाई के बदले फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हो। इसे अब हम कर देंगे अच्छे से मिक्स और आप देख सकते हो धीरे धीरे हमारी सब्जी में एक अच्छा सा क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा। ये बेसिक ग्रेवी है, आप इसमें कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हो। मलाई और दही अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं पिंच ऑफ ऑरेंज फूड कलर। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि हमारी सब्जी में एक अच्छा सा कलर आ जाएगा। अब इसे हम कवर करके रख देंगे 5 मिनट्स के लिए और लो फ्लेम पर ही कुक करेंगे। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमारी ग्रेवी में अगर कोई भी पानी रह गया हो वो सूख जाए, वो अच्छे से ड्राई हो जाए, एंड में उसका पानी ना निकले, इसीलिए हम इसे 5 मिनट्स के लिए और कुक किए थे। अब इसमें हम मसाला ऐड कर देते हैं। 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, 1 स्पून रेड चिली पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 स्पून धनिया पाउडर, 1/2 स्पून गरम मसाला, 1/2 स्पून पाव भाजी मसाला और 1 स्पून हम डालेंगे केचप। अब कर देंगे इन सब को अच्छे से मिक्स। आप केचप के बदले 1 स्पून शुगर पाउडर भी ऐड कर सकते हो। पाव भाजी मसाला और केचप की वजह से हमारी सब्जी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। बिल्कुल होटल में मिलने वाली जैसी पनीर की सब्जी आप घर पर ही बना सकते हैं। बस आप पाव भाजी मसाला और केचप ऐड कर दीजिए। अभी अच्छे से हो गया है मिक्स, तो हम डालेंगे 1/4 कप मिल्क। मैंने यहाँ पे रूम टेम्परेचर का मिल्क यूज़ किया है और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे हमारी ग्रेवी के साथ। मिल्क से हमारी सब्जी में एक क्रीमी लाइट कलर आ जाएगा
तो इसे हम कवर करके रख देंगे 2 मिनट के लिए। और 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी में कितना बढ़िया कलर आ गया है, परफेक्ट होटल स्टाइल कलर आ गया है। अब लास्ट में हम ऐड कर देंगे पनीर। मैंने यहाँ पे पनीर को बड़े साइज में कट किया है, आप इसे स्मॉल साइज में भी कट करके डाल सकते हैं। पनीर को अच्छे से हमारी ग्रेवी के साथ कर देंगे इसे मिक्स। ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं हमारी ग्रेवी में। गिव दिस रेसिपी अ ट्राई, आप इसे ज़रूर बनाइए एंड ट्रस्ट मी आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। अब इसे आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी एंड सेफ कुकिंग।